दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, एकदम से परेशान की तरह 12 बजे उठे होंगे। और तो आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही हूँ, जो कि मैंने जब कपड़े लिए थे तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें मशीन में नहीं धुलवाऊंगी, या तो ड्राई क्लीन करूंगी या अपने प्यारे प्यारे हाथों से धुलूंगी। तो आज मैं वही काम करने जा रही हूँ। 4 दिन से बेचारे वेट कर रहे थे कभी हमें धुलेगी, लेकिन आज मैं इनको धुलने जा रही हूँ फाइनली। तो देखते हैं मैं धुल पाऊंगी या नहीं धुल पाऊंगी, धुली पिलूंगी जब बैठेंगे। तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ी कपड़े जो कि मैं हाथ से धुलूंगी। इनको इग्नोर मारना क्योंकि ये सूख रहे हैं, ये ओरियो का बिस्तर है जिसपे हम धूप लगवाते हैं डेली बेसिस पे। तो चलो ठीक है, तैयार मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ एकदम से। वैसे मेरी मम्मी मेरे पे बड़ी अत्याचार करती है, मैंने बोला मम्मी आप धुल दो, मम्मी अच्छे से धुल देती है, लेकिन मम्मी बोली नहीं मैं नहीं धुलूंगी क्योंकि मैंने और काम नहीं करा था। तो चलो कोई नहीं, मैं धुल लेती हूँ क्योंकि कपड़े भी मेरे हैं, मैंने ही पहने थे, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने कपड़े खुद ही धुलने चाहिए। और मैंने अपने कपड़ों से प्रॉमिस किया था ठीक है मैं तुम्हें हाथों से ही धुलूंगी। चलो स्टार्ट कर। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking. तो मेरी मम्मी मेरे पे बहुत जुल्म कर रहे हैं, मैं नाबालिग हूँ, नाबालिग से घर में काम करवाना कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो मैं मम्मी पे, जो भी मुझे देख रहा है, मैं खुद नहीं जा सकती केस करने, तो प्लीज मेरी मम्मी के खिलाफ केस करे कि अपनी बेटी से इतना काम ना कराए। ये कपड़े 2-4 जोड़ी थे, ये तो धुल के दे देती। ये क्या कर लिया आपने? गुड्डन बैलून हो गई है, गुड्डन बैलून हो गई है। गुड्डन क्या हो गया आप? वो कौन है? ये डोलू है। और ये आप क्या बन गए? कहाँ जा रहे हो? इतने सारे गिर जाओगे, गिर जाओगे। देखो क्या, अच्छा और आप क्या बन गई है? आप क्या बन गए? ये रहो, नहीं नहीं पकड़ो। आज फिर मम्मी बनाने लगी। क्या क्या बना रहे मम्मी? गाजर की बर्फी बना रही है दोबारा से, क्योंकि हमारा दूध भी एक्स्ट्रा आ गया था। और मम्मी किसी के लिए बना रही है, किसके लिए बना रहे हैं मम्मी? बेटे के लिए। तो अभी मम्मी हमारी हलवाई, छोटी हलवाई लगी पड़ी है जमाई के लिए बनाने में। बन गई है, बन गई मम्मी। और क्या बन गई? अभी मम्मी इसको थाली में बिठा देगी, फिर इसको कट कर देगी, फिर खाएगी। तो हमारे घर में जब भी ज्यादा दूध आ जाता है, मम्मी इस कढ़ाई को उठाती है, कढ़ाई भी बोलती होगी भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, है मम्मी? मम्मी हर चीज अच्छे से बना लेती है, और मेरे को बोलती है सीख ले, पर मेरे को सीखना ही नहीं है, नहीं तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगी, है मम्मी? अभी टाइम हो रखे 6:30 और हम ऊपर आ गए, क्योंकि कल आके हमें ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी मैं खा रही हूँ, क्या बोलते हैं मम्मी इसको, बेलपुरी, बेलपुरी खा रही हूँ, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। बब्बी भी ले रही है छिपाली पर। और रामा के सब्सक्राइब से सारी सारी गलत हो गया। अगर जिस चीज को ये घर चाहिए कमेंट में जरूर बताना। कल गाड़ी चाहिए थी तो कमेंट कर देना, आज घर चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना इसको। तो मैं अपनी मेहनत दिखा देती हूँ आपको ऊपर ही। इन प्यारे प्यारे हाथों से कपड़े धुले थे ना, देखो वो सूख रहे हैं, अभी उनको नीचे लेके जाऊंगी। मौसम बड़ा धास हो रखा है, बाय बाय। और इधर से भी मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, और हम यहाँ बैठे हैं। मेरा तो पता नहीं, बब्बी इस पे गिर गई तो ये नीचे जाएगा। और ये देखा, पकड़ी गई बब्बी। बब्बी भी खा रही है, लेकिन मैं अच्छे से प्लेट में लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे को खाया नहीं जाता। बब्बी किधर है? ये पहले बचपन में हम जाते थे ना मम्मी के साथ मेले वेले में, देखो आंटी कैसे देख रही है। जाओ आंटी फोन में, घुसो ना, जाओ नीचे जाके बैडमिंटन खेल लो, थोड़ा सा शरीर हिला लो, थोड़े से पतले हो जाओगे। खासकर से ये परविता को बोल रही थी और निकिता को बोल रही थी, मुझे इतना नहीं बोल रही थी। फिर ऐसे बोल रही है कि पीछे से मत बोल, झूठ बोल रही हो। जब दो बड़े बात कर रहे हो ना और वीडियो में बात कर रहे हो, तो ऐसे काली शक्ल वाले को बोलना नहीं चाहिए। तो आंटी फिर बोली कि 8:30 हो गए, अभी नहीं जाना। तो आंटी एक बात बताओ आप मुझे, कि आप हमारे जज्बातों के साथ कैसे खेल लेते हो ऐसे? क्योंकि 5 बजे कल खेले थे ना, आज नहीं खेले ना, भाई और खेल रहे हैं ना, तो अभी रात के टाइम कोई भी नहीं है ना गली में, तो थोड़ा सा अपने
इससे कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। और इसकी शक्ल आ नहीं रही तो अच्छा है, नहीं तो डर जाओगे तुम लोग। और परविता, मैं आज इसका नाम ले रही हूँ, ऐसे इसका नाम कुछ और है, बब्बी, और मैं इसको परविता बोल रही हूँ क्योंकि सड़ी हुई है। अभी हम फाइनली तो फाइनली आ जाना ना भाई, हाँ रहने दे तू। तो मैं और ये जो भी है परविता, हम जा रहे हैं फाइनली नीचे बैडमिंटन खेलने। भाई और खेल रहे हैं, रात हो रखी है, 8:30 बज रहे हैं, 8:30 बजे इसको पागलपन बिछा दिए हैं, मुझे बिछा दिए हैं, तो हम भी जा रहे हैं, ये खेल रहे हैं। ये हमारी गली है, सुनसान है, जो सुनसानी हम लोग है ना कह रही सुनसानी हम लोग है ना भाई, हमें भी खिला लो पहले हम कह रहे हमें भी खिला लो कोई। हेलो ये मैक है मैं भूल जाती हूँ, इतनी फेमस हो गई, ओह माय गॉड, कितने सब्सक्राइबर है दीदी, कुछ और बस भगवान की दुआ से 152 हुए हैं, भगवान की दुआ से 152 हो गए। लाइन के ऊपर खड़े होके कौन खेल सब फुटेज गाते हैं, जब फोन चालू कर देती तभी बोलते हैं वीडियो में रह गई। तो ये हमारी वंशिका और वो हमारे घमंडी रोहित भाई हाँ बस हो गया ज्यादा फुटेज मत खाओ भी करते हो भाई, कुछ कह रहे हैं भाई, इसको भी चढ़ा था भाई, सीधे सीधे मारते हैं कि हाँ तो जाऊंगी मैं। ये हमारी महक और ये छोड़ो ये परविता ओ भाई, उनका नाम क्या है, प्रत्यक्ष 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 और इनको भी छोड़ो इनको भी छोड़ो, और मुझे तो जानते ही होंगी मैं एकता हूँ, इनको तो बिल्कुल ही छोड़ो, मैं एकता हूँ, छोड़ो। देखो अभी देखना ये साइज देखो ठीक है, और अभी देखना और ये सही है फुल डबल अभी मोटी अभी मोटी खेलने जा रही हूँ, मोटी 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 करो। इन लोगों से किसी से भी खेलना नहीं आता मेरे को, और बस परविता को भी आता है थोड़ा सा, और मेरे को आता है, इनको नहीं आता तो अभी हम बोर हो गए इस चीज से कि किसी को मेरे जैसा खेलना नहीं आता, तो हम ऊपर जा रहे हैं और ये भी जा रही है, बाय बाय एंड थैंक यू। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं, क्या बोल रहे हो, कह रहे हैं कि ठीक है चले गए, ये हराए जा रहे थे हमें तब से, है ना, है ना परविता, और परविता को भी मैंने सिखा था, ये मोटी थी बब्बी थी अभी परविता, ये मेरा प्यार है, कभी मोटी कभी पतली कभी निकिता कभी बब्बी का बब्बीता है। आज की वीडियो में आज चलो ये तो कह दिया मैंने